हेलो दोस्तों, हम अंकित सिंह। तो आज मेरा टॉपिक है जिरंड। जिरंड क्या होते हैं, जिरंड कैसे बनाते, कैसे पहचानेंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला है। यदि आपको जानना है तो इस वीडियो को तो पूरा देखना ही होगा, तभी तो आपको पता चलेगा जिरंड क्या होता है। इंग्लिश का टॉपिक होता है इसका, यार ग्रामर में तो बहुत ही बड़ा यूज होता है। हम लोग जब हिंदी टू इंग्लिश बनाते हैं ना, तो उस समय यार बहुत ही कन्फ्यूजन करता है जिरंड को कैसे पहचाने। ओके, तो हम लोग चलते हैं जिरंड क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, जिरंड को यदि हम लोग हिंदी बोलेंगे तो हिंदी में बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी होता है क्या कुछ? हाँ, इसका दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं दूसरे नाम में वर्बियल नाउन बोलते हैं। वर्बियल नाउन अर्थात तो वर्ब प्लस नाउन, अर्थात एक वर्ब है जो नाउन के जैसे काम करता है। तो सिंपली यदि हम लोग इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जिरंड क्या होते हैं, तो जिरंड का डिफिनेशन बोल सकते हैं इट इज अ वर्ब, इट इज अ वर्ब, यह एक वर्ब है। इट इज अ वर्ब विच एक्ट एज अ नाउन, विच एक्ट एज अ नाउन, जो एक नाउन के जैसे काम करता है, दैट इज सेड टू द वर्बियल नाउन आर द जिरंड, उसी को तो बोलते हैं। अर्थात जो वर्ब है, एक वर्ब है हमारा नाउन के जैसे काम होता है। अच्छा, इंग्लिश में क्या पहचान होती है? इंग्लिश में यदि इसका पहचान देखेंगे तो इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जिरंड। बड़ा ही कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते, दे देता फिलअप करने के लिए, बाप रे बाप, मत्था सनक जाता है, किधर को कहां से कैसा क्वेश्चन दे दिया, नहीं क्लियर होता है। तो आज देख लीजिए जिरंड क्या होते हैं और उसका रिकॉग्नाइजेशन इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में जानते हैं क्या होता है रिकॉग्नाइजेशन? बस कुछ वही यार पुराना वाला तरीका है, बस उसका नाम बदल गया है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को ही तो जिरंड कहते हैं। वर्ब के फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म को क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। वर्ब आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं। हाँ हाँ, अभी तक नहीं क्लियर था ना, अब जान लो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही लोग क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। लेकिन अब तुरंत कन्फ्यूजन होता है, अच्छा मैं खाना खा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम ईटिंग द फूड, क्या ईटिंग यहाँ पर जिरंड है? नहीं नहीं, उस जगह पर हमारा ईटिंग जो है जिरंड नहीं काम करेगा। देखो इसका हिंदी क्या होगा, इसके यदि हिंदी में यदि पहचान देखते हैं, हिंदी में पहचान वे नाउन होंगे जिसके लास्ट में ना नी ने, ना नी ने आएंगे, तब जाके समझ लेना कि वो क्या है, हमारा जिरंड है। ना नी ने, हाँ ना नी ने, जैसे बोलते हैं पीना, इट मीन्स पीना का क्या बोल सकते हैं, ड्रिंकिंग। देखो लास्ट में क्या आया, ना नी ने आया, तो ना नी ने। फिर से खेलना, खेलना क्या होता है, खेलना में ना नी ने आया तो सिंपली बोल सकते हैं प्लेइंग। अर्थात जिधर को भी अगर सेंटेंस में ये यूज हो रहा है, अगर सेंटेंस में ना नी ने के साथ में आते, समझ जाना उधर को जिरंड ही है। तो हम लोग जिरंड के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले पहचान क्या है, नानी ने हिंदी। अब देखिए बोला शराब पीना बुरी आदत है, शराब पीना बुरी आदत है। देखो पीना है वर्ब तो है, इसमें नानी ने आया, अब नानी ने आया तो अर्थात क्या हुआ, पीना तो ड्रिंक, और नानी ने लग गया तो क्या लगेगा, ड्रिंकिंग, बुरी आदत है। दूसरा आजकल बच्चों को पढ़ाना, देखो यहाँ पर भी पढ़ाना में क्या आया, नानी ने आया ना, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जिरंड। अब देखो कैसे बनाएंगे, अर्थात अभी हमारा क्या काम करेगा, नाउन काम करेगा, नाउन के जैसे जब काम करेगा तो सब्जेक्ट के रूप में तो बैठ ही सकता है ना। अब देखो शराब पीना, शराब पीना, पीना क्या क्या लिखेंगे, ड्रिंकिंग, क्यों यहाँ पर ड्रिंक मिस हुआ से पीना, लेकिन ना नहीं लग गया था इसलिए आईएनजी, ड्रिंकिंग द वाइन, ड्रिंकिंग द वाइन, शराब पीना या ड्रिंकिंग द एल्कोहल बोल सकते हैं। बुरी आदत है, इज अ बैड हैबिट, बुरी आदत है, सिंपल सा। देखो ना कितना आसान ट्रांसलेशन हो गया ना। अब देखो आजकल का क्या होता है, नाउ अ डेज हो गया, बच्चे चिल्ड्रेन हो जाएंगे, स्टूडेंट बोल सकते पढ़ाना, टीचिंग, टीच लगा और नानी ने लग गया तो आई एन जी, टीचिंग आसान काम, इजी वर्क, नॉट नहीं, इज एम आर है। तो आजकल बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं। अब देखो पढ़ाना तो उल्टा हम लोग करते हैं, टीचिंग, टीचिंग भाई किसको, टीचिंग द स्टूडेंट, टीचिंग द स्टूडेंट बोल सकते हैं, या यहाँ पर बच्चे जब हैं तो चिल्ड्रेन दोनों लिख सकते हैं, तो टीचिंग द चिल्ड्रेन इज नॉट
इजी वे, इजी वर्क, आसान काम नहीं है, इज नॉट इजी वर्क। इस तरीके से टीचिंग द स्टूडेंट इज नॉट इजी वर्क, बड़ा ही आसानी से आपने देखा ना नी ने, सीधा सा जिधर को आएगा समझ लेना यार जिरंड है। खेल खेलना प्लेइंग द गेम, फुटबॉल खेलना प्लेइंग द फुटबॉल, बच्चों को पढ़ाना टीचिंग द स्टूडेंट, पत्र लिखना राइटिंग द लेटर, उसे समझाना अंडरस्टैंडिंग हिम। इस प्रकार से जो बात आ रही नानी ने, जिधर को भी दिख जाकर सेंटेंस में कोई वर्ब है कोई एक्शन उसके पीछे नानी ने के रूप में या तो समझ लेना वो जिरंड था तो वहाँ पर आईएनजी के फॉर्म में ही लिखा जाएगा, दूसरा किसी रूप में आ ही नहीं सकता, चाहे बीच में बैठे जिधर भी बैठे वो तो नाउन के जैसे काम करेगा और समझ लेना वो जिरंड है। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज यार एक लाइक तो ज़रूर बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छा लगा तो जरूर इसको अधिक से अधिक शेयर करो, खुल के शेयर करो यार, क्योंकि इंग्लिश आजकल सबके लिए जरूर।